कैमरामैन जल्दी फोकस करो, ये कोई शक नहीं। हे गाइस, वेलकम टू टीके फोटोग्राफी। तो अभी आपने स्टार्टिंग में प्रूफ देखा उस टाइप की, मैं आपको वीडियो टिंग करके दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को आपको फुल वॉच करना होगा, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो टिंग के लिए आपको यहां पर कैपकट एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर इसको अपलोड कर दिया है। तो वहाँ से आपको कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके किसी भी सुपर VPN को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। उसके बाद आपको यहाँ पर VPN को कनेक्ट कर लेना है। VPN को कनेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर कैपकट ऐप को यहाँ पर ओपन करना है। कैपकट ओपन हो जाने का सिंपली आपको यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। तो उसके बाद एक वीडियो है ना, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया है, तो उस वीडियो को आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो ऐड पर क्लिक करना है। तो वीडियो हमारी यहाँ पर ऐड हो चुकी है, उसके बाद आपको एंड में जाना है। एंड में जाने के बाद जो वाटरमार्क है, इस वाटरमार्क पर क्लिक करके इसको यहाँ पर आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको इसको थोड़ा सा जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, तो दो फोटो यूज़ हुआ है, एक विदाउट एडिट और एक एडिट। तो यहाँ पर आपको चेक करना है जो एडिट वाला फ़ोटो है वो कहाँ से आ रहा है। तो हमारा एडिट वाला जो फ़ोटो है ना, तो यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर एक बीट है, तो सिंपली आपको यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको स्पीड का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने में जो फर्स्ट वाली लेयर है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने तक थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर रिप्लेस का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फोटोज वाले ऑप्शन पर आना है। फोटोज वाले ऑप्शन पर आपके जिस भी फोल्डर में फोटोज रहेंगे, उस फोल्डर को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको एक दो फोटोज़ की जरूरत पड़ेगी, एक एडिट और एक विदाउट एडिट। तो यहाँ पर पहले तो मैं विदाउट एडिट वाला फ़ोटो लगाऊंगा। तो हमारा विदाउट एडिट वाला यहाँ पर फोटो लग चुका है। लगने के बाद सिर्फ आपको यहाँ पर फोटो पर क्लिक करके फोटो को जूम कर लेना है। जो एडिट फोटो है हमारा, वो सेकंड लेयर पर लगेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर सेकंड लेयर पर क्लिक करना है और इस फिर से यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और फिर से रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और आपके जिस भी फोल्डर में फोटोज़ रहेंगे, उस फोल्डर को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उस फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। फोटो को ऐड करने के बाद आपको फर्स्ट में आना है। फर्स्ट में आने आपको यहाँ पर इफेक्ट का जो ऑप्शन दिख रहा है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और वीडियो इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी कुछ इफेक्ट यहाँ पर लोडिंग लेंगे, तो उन इफेक्ट को यहाँ पर लोडिंग हो जाने देना है। लोडिंग हो जाने के बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने आपको एक हेलो ब्लर का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस हेलो ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ हमारा इफेक्ट यहाँ पर लोड लेगा। तो यहाँ पर हमारा जो इफेक्ट है यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो एडजस्ट पर क्लिक करना है। एडजस्ट पर क्लिक करने जो इनकी इंटेंसिटी, इसको 100 कर देना है। 100 करने के बाद आपको राइट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इस राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जहाँ तक हमारा जो फर्स्ट बी फोटो है, वहाँ तक आपको इस इफेक्ट को रखना है। तो नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर जहाँ तक हमारा फर्स्ट फोटो, वहाँ तक आपको इसको रख लेना है। रखने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आपको फोटो में कुछ इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो आपको क्लिक करना है फोटो पर, क्लिक करने आपको फोटो को यहाँ पर एनिमेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपने हिसाब से किसी भी कोई सा भी यहाँ पर आपको एक एनिमेशन लगा देना है। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से यहाँ पर कोई सा भी एक एनिमेशन लगा चूज़ करके लगा देता हूँ। आपको भी अपने हिसाब से कोई एक एनिमेशन लगा देना है। लगाने तो आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने तो हमारी वीडियो लगभग रेडी हो चुकी है। फर्स्ट में आपको यहाँ पर आना है। तो यहाँ पर आपको म्यूज़िक को ऐड करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर बैक आना है। बैक आने तो आपको यहाँ पर ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर देना है। एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करने तो आपको वही वीडियो यहाँ पर सेलेक्ट करनी है जो वीडियो हमने फर्स्ट में यहाँ पर सेलेक्ट की थी। उसके बाद आपको इम्पैक्ट साउंड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो हमारी वीडियो है ना, वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर कॉर्नर में जो अपलोड का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने तो वीडियो को यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।